यह आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहला सैटेलाइट मिशन है, पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चोंग E6 का हिस्सा बन गया। मिशन IQ-Q ने चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरी है। दो ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQ-Q चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल करेगा। चांद की मिट्टी भी जमा की जाएगी। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना कर दिया है। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चोंग E6 का हिस्सा बन गया। मिशन IQ-Q ने चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरी है। दो ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQ-Q चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात भी हासिल करेगा, जबकि चांद की मिट्टी भी जमा की जाएगी। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल की जा चुकी हैं। पाकिस्तान का ये पहला सैटेलाइट मिशन है जो कि चांद पर भेजा जाएगा। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चोंग E6 का हिस्सा बन गया है, जबकि मिशन IQ-Q ने चांद के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान वो भरेगा और इसके बाद इस पर जो तमाम तर तहकीक है, जो तमाम तर मराहिल हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा। ये जो खला की तहकीक है उसको उसकी जस्तजू का अज़म है और आज जो है पाकिस्तान अपना ये पहला मिशन जो है वो रवाना कर रहा है चांद के ऊपर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम तर तैयारियाँ जो है वो इस वक्त मुकम्मल की जा चुकी हैं और ये मिशन चोंग E6 का हिस्सा बना है। मिशन IQ-Q ने चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान वो भरेगा। उसके बाद दो ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQ-Q चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात वहाँ पर हासिल करेंगे और चांद की मिट्टी को भी जमा करेंगे। ये उनका हदफ है। तमाम तर जो स्ट्रैटेजी है ये वो साथ लेकर जा रहे हैं और इसी की मदद से वो आज जो ये मिशन रवाना हो रहा है उसके अंदर दो ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQ-Q चांद की सतह की तस्वीर खींचेंगे और साथ ही मालूमात भी वहाँ की हासिल की जाएगी और चांद की मिट्टी भी जमा की जाएगी। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल की जा चुकी हैं। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चोंग E6 का हिस्सा बन गया, जबकि मिशन IQ-Q ने चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से इस वक्त वो उड़ान भरेगा और दो ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQ-Q चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल करेगा। आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये पहला मिशन है जो कि चांद पर पाकिस्तान की जानिब से रवाना किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत है हमारे साइंसदानों की भी और दीगर तुलबा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज हुए इस मिशन के अंदर और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। दो साल का बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड था जिसके अंदर तमाम तर चीज़ों को इंगेज किया गया, तमाम तर जो टेक्नोलॉजीज़ थी, तमाम तर जो नॉलेज थी, तमाम तर जो साइंसी अहदाफ से जो तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती थी वो इस पर काम किया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये पहला पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन है जो कि चांद पर रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चोंग E6 का हिस्सा भी बन गया, जबकि आपको बताया कि मिशन IQ-Q ने चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से वो उड़ान भरेगा और उसके बाद इसके अंदर जो दो ऑप्टिकल कैमरे हैं उसके ज़रिए से वहाँ की तस्वीर खींची जाएंगी, मालूमात हासिल की जाएंगी और चांद की मिट्टी को भी जमा किया जाएगा। ये सैटेलाइट मिशन है जिसके तमाम तर जो मिशन से जो तमाम तर तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो उड़ान भर जाएगा।